गुड इवनिंग दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल तो स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह सेफ़ होंगे सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर जगदीश ठाकुर हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपका जे हुए जो है या पहले भी अगर क्लियर हुआ है दैट्स ग्रेट तो अगर इस बार का भी टारगेट है तो वो भी आपका क्लियर हो एंड वन थिंग वन मैम स्टार्ट द क्लास मधुबालाजी स्टार्ट कर दिए क्लास एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किस किस का नाइन ज़ीरो थ्री भी क्लियर हुआ है मुझे कोई भी एक ही स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम मेरा क्लियर हुआ है और किसी भी स्टूडेंट का मैसेज नहीं आया तो आई वॉन्ट द मैसेज फ्रॉम इन माई ई मेल आई डी दैट इज़ पूजा गुप्ता थ्री थ्री जीरो वन टू एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम सो प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ और शेयर योर रिजल्ट ऑन दैट और या फिर टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे भी या फिर आप मेल पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी कि ठीक है आपकी मेहनत है बट इस बहुत खुशी की बात होगी कि जिसने पेपर को क्लियर किया ठीक है मी सुरेश राजौर जी आपका क्लियर हो गया रोहित चौधरी आपका क्लियर हुआ देखिए आज का सेशन और कल का सेशन छोटा है कल का तो बहुत छोटा सेशन है और कल हम आपको टिप्स देंगे कल जो होगा आपका लाइव सेशन होगा लाइव डिस्कशन होगी फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स की क्लास होगी और उसके बाद आपके साथ जो पेपर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया जाएगा तो गिव मी वन सेकेंड ठीक है आपके साथ वो डिस्कस किया जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्लीज चैनल के साथ बने रहिए चैनल को रिकमेंड कीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन ठीक है मैम और अब नौ सो वा दैट्स ग्रेट सुरेश राजोर जी की अब जो है आपका सेशन ये शुरू होगा ठीक है तो चलिए करें शुरू फर्स्ट क्वेश्चंस आज थोड़े क्वेश्चंस थर्टी क्वेश्चंस है नॉट मोर देन दैट थर्टी क्वेश्चन आपको आंसर देना है कितना आप पार्टिसिपेट करते हो ठीक है गुड इवनिंग ममता कश्यप जी आ, मैंने भी स्क्रीन शॉट सेंड किया था मैम आपको येस कैप्टन स्पाटन जी आपने भी स्क्रीन शॉट शेयर किया था बट आपने आ, लेकिन उसमें आपका ही आपने मैंशन किया था कि आपका रिजल्ट तो मैंने आपको कंग्रेचुलेशन्स भी बोला था कि भाई आपने क्लियर कर लिया तो एक आप ही स्टूडेंट हो जिसने शेयर किया है मुझे इतना पता चला है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है तो कैन यू इनफॉर्म दैट स्टूडेंट्स हु क्रैक द पेपर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म प्लीज इन्फॉर्म मी या मेल मी जिन्होंने किया है भाई ठीक है कोई बात नहीं चलिए शुरू करते हैं और आपका वीडियो सेशन या आपका लाइक होना चाहिए हम कल फिफ्टीन डेज और कल आपके साथ ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी साढ़े सात से आठ बजे तक की क्लास जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कल आपके साथ एक ब्रेन ट्रिगर खेलेंगे आपके साथ कल ब्रेन ट्रिगर होना चाहिए या कंप्यूटर का सेशन ये बताइए बताइए कल कोई सेशन होना चाहिए कि इट्स अ लाइव डिस्कशन फटाफट बताइए क्योंकि मुझे सेशंस बनाने हैं चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अपना आंसर यहां पे लिख सकते हो अन्यूमरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज लेबल वैल्यू इफ इट प्रोसीड इफ डैश प्रोसीड इट अगर आपको एक संख्यात्मक मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है इससे पहले क्या लिखना है ब्रेन ट्रिगर चलिए मेजोरिटी यहाँ पे मैं आपको आ, किसका ब्रेन ट्रिगर भाई मैं यहाँ पे पोल डाल रही हूँ ब्रेन ट्रिगर आपका जो पोल होगा ब्रेन ट्रिगर या फिर प्रैक्टिस सेशन जस्ट गिव मे वन सेकेंड बताइए तब तक आंसर्स चले तो इसका आंसर है आज सिर्फ एक घंटे का है आज जितनी जल्दी खत्म हो सकता है उतना ही जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है एक्सक्लमेशन हैश या टेल्ड देखिए टेल्ड ऑपरेटर जो है ये और के लिए हैश जो है आपका प्री प्रोसेसर है किसके लिए सी लैंग्वेज के लिए, लिए. एक्सक्लेमेशन जो होते हैं दैट इज टू एड द वेरिएबल्स वेरिएबल्स को एड करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं Concatenation ऑफ अ text कैन बी डन यूजिंग concatenation ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग आपका पोस्ट्रॉफी एक्सप्लामेशन हैश या ए परसेंट तो आपको याद रखना है कॉन्केटेशन में हमेशा एपरसेंट लगाते हैश टैग इज़ फॉर प्री प्रोसेसर ज़्यादातर हम हैश टैग सी लैंग्वेज पे लगा रहे हैं तो ये नहीं एपोस्ट्रॉफी नहीं ये याद रखना ये नहीं हो सकता ठीक है ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में किसी एक पेपर में पूछे गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिटर्न द रिमाइंडर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिवाइजर इन एक्सेल वी यूज फंक्शन अगर आपको रिमाइंडर देना है और अगर हम उसको डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बताइए अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चलिए बताइए चलिए तो इसका आंसर देखिए राउंड इज फॉर राउंड द फिगर्स आपको क्वेश्चन आया था एक कि A10 दिया था उसको राउंड करना है ए वन माइनस वन याद रखना राउंड फिगर्स में ठीक है फैक्ट दैट इज योर फैक्टोरियल फैक्टर्स में करना क्वेश्चन को एक्सेल में अगर बेस दिया है बेस का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखना और कितने बाइट्स पूछे गए हैं उसको याद रखना सेकेंड आता है आपका अगर बेस नहीं हो इंच और फीट में कवर करना कि कितने इंच से कितने फीट बनाने ये क्वेश्चन भी आ सकता है आंसर इज मॉड्यूल्स आंसर इज मॉड्यूल जो भी रिमाइंडर आएगा दैट इज और मॉड्यूलस व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस या कंट्रोल प्लस आपका जो है क्या यूज़ होगा कंट्रोल प्लस सी इज योर कॉपी कंट्रोल प्लस सी जो है वो आपका कॉपी करने के लिए यूज होता है तो ये नहीं कंट्रोल प्लस एंटर इज टू ब्रेक कंट्रोल प्लस पेज पेज अप दैट इज टू द टॉप ऑफ द बॉटन आंसर इज स्पेस बार कंट्रोल प्लस स्पेस बार नेक्स्ट देखते हैं चाहे ये सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाए विच कमांड डिवाइज द सर्फेस ऑफ अ ब्लैंक डिस्क इन टू सेक्टर्स एंड असाइन अ यूनिक एड्रेस टू ईच वन कौन सी ऐसी कमांड है जो ब्लैंक डिस्क सेक्टर्स में ब्लैंक डिस्क को सेक्टर्स में डिवाइड करती है और एक यूनिक एड्रेस टू एवरी वन वर्शन फॉर्मेट फैट या चेक डेस्क आपके आंसर्स और ठीक है देखिए अगर आपको वन क्या लिखा है आपने वन टू इंच इन फीट आपको एक इंच में कितने फीट होते हैं और या एक फीट में कितने इंच होते हैं पहले ये देखिए एक इंच में कितने फीट होते हैं तो आंसर इज फॉर्मेट आंसर इज फॉर्मेट वी ई आर फॉर वर्शन चेक डिस्क इज फॉर चेक द एर एंड बोथ दीज एक्सटर्नल डॉस कमांड्स ये क्या है आपकी एक्सटर्नल डॉस कमांड्स नेक्स्ट देखते हैं इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द इंटायर डिस्क अगर आपको इंटायर डिस्क को डुप्लीकेट करना है विच कमांड विल यू यूज कौन सी कमांड आप यूज करोगे कॉपी डिस्क कॉपी चेक डिस्क या फॉर्मेट बताइए तो आंसर इज डिस्क कॉपी कॉपी इज टू सिंपल द कॉपी द फाइल्स। चेक डिस्क इज द एरर्स और फॉर्मेट इज टू फॉर्मेट द टेक्स ये जो है चेक डिस्क एंड फॉर्मेट इज द एक्सटर्नल कमांड्स जिसके लिए एक्सटर्नल फाइल्स चाहिए होती हैं और ये जो है आपकी इंटरनल कमांड्स है जिसके लिए आपको एक्सटर्नल फाइल्स नहीं कमांड डॉट कॉम चाहिए होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर ग्लोबल इन पी एच पी इसमें से पी एच पी जो है आपको पता है, पी एच पी क्या है एक लैंग्वेज है फेसबुक जो है वो पी एच पी लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है ठीक है पी एच पी लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है तो उसमें जो है ग्लोबल्स क्या होते हैं ग्लोबल्स जो होते हैं सुपर ग्लोबल्स दैट गिव्स द वेरियट टू द टेक्स्चर तो सुपर गेट पोस्ट एंड रिक्वेस्ट देखिए रिक्वेस्ट पोस्ट एंड सुपर दीज आर द सुपर ग्लोबल्स ये क्या है आपके सुपर ग्लोबल्स जो पी एच पी लैंग्वेज को क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं एड ऑन करते हैं आंसर आंसर आपका गेट, गेट। गेट। ठीक है। वॉट मोदी ठीक है नेक्स्ट आता है द टेस्टर डज नॉट सुपर कमांड है गेट नहीं है कमांड ठीक है नेक्स्ट आता है आपका

कॉपी द ब्राउजर्स जो आपके किस पे आते हैं ब्राउजर्स को कॉपी करते हैं और फिर भेजते हैं ठीक है वॉटरफॉल इज द फर्स्ट फेज ऑफ आपका सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जिसमें डिजाइनिंग एनालिसिस इंप्लीमेंटेशन चलती है सिंपल फेज होता है तो ये तो कैंसिल कर दो ठीक है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल देखिए आपसे ये भी पूछ सकते हैं फर्स्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग मॉडल क्या है कुकी पूछ सकते हैं कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं जो ब्राउजर्स को कॉपी कर दें तो वो आ गया कुकी इसकी फुल फॉर्म कोकोमो ये आ सकता है आपको ठीक है कोकोमो की फुल फॉर्म क्या है दैट इज कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल जो आपकी कॉस्ट बताता है या प्रॉफिटेबल कॉस्ट बताता है सरफेस की तो ये नहीं आंसर इज ब्लैक बॉक्स एक होती है ब्लैक बॉक्स एक होती है वाइट बॉक्स दोनों में फर्क पूछ लेना या पता होना चाहिए ब्लैक बॉक्स टैक्सटिंग जो होती है वो जनरल इन्फॉर्मेशन देती है वाइट बॉक टेक्सटिंग देखिए एक आपकी स्पेसिफिकेशंस बताता है जो स्पेसिफिकेशंस बताता है वो ब्लैक बॉक्स जो वाइट बॉक्स टेक्सटिंग है वो आपका क्या बताता है दैट इज़ द इनर कोड यानी आपकी इनर इंस्ट्रक्शनस क्या है इनर यानी कोडिंग ये सब जो भी स्पेसिफिक डाटा या डेटा बोलो या जिसको आप बोल सकते हो इनर कोडिंग जो बताता है वो आपका क्या है आपका वाइट बॉक्स तो कौन इंस्ट्रक्शंस जो इनर साइड आप दो चीजें हैं एक स्पेसिफिकेशंस जो आपके फोन की स्पेसिफिकेशंस बताता है दैट इज आपका ब्लैक बॉक्स और जब आप उस चीज पे काम करना शुरू करते हो तो यू आर इनसाइड दैट बॉक्स देन इट इज वाइट बॉक्स तो यहाँ तक क्लियर नेक्स्ट चलते हैं ये क्वेश्चन पढ़ के जाना विच नेटवर्क सर्विस इज यूज टू रिजोल्व द डोमेंस नेम्स इन टू कॉरेस्पॉन्डिंग आई एड्रेस バタイ。 आंसर इज देखिए फ्लॉट क्या होता है फ्लॉट होता है जो आपके डेसिमल्स को बताता है इंडेंटेशन क्या होती है पैराग्राफ की स्कैन डी एफ और एक्स की वैल्यू क्या होती है स्कैन डी एफ एंड एक्स क्या होता है ठीक है स्कैन एफ और डी एक्स क्या होता है द वैल्यूज दैट आर एंटर्ड बाय द ये वैल्यूज जो हैं आपकी यूजर एंटर बाय द यूजर इन एड्रेस ठीक है जो वैल्यूज यूजर एड करता है एड्रेस में वेयर एक्स इज द स्टोर्ड एक्स इज स्टोर्ड एक्स क्या है स्टोरिंग वैल्यू और जो ये डी है जो आपके वैल्यूज को एंटर करते हैं एड्रेस में तो ये नहीं ये नहीं आंसर इज डोमेन नेम सिस्टम ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर इन सी क्वेरीज़ एक क्वेश्चन रह गया हमारा पीछे आपका बेस वाला वो हम दोबारा करते हैं विच अरिथमेटिक ऑपरेटर इन सीक रिक्वायर्स अ वैलिड वैल्यू एज इट्स ऑपरेंट इसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है जब अरिथमेटिक ऑपरेटर आया तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन सी बात होती है एडिशन सब्सट्रैक्शन आपका मल्टीप्लीकेशन एंड आपका डिवीजन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स आएंगे जो एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो यहां पे कौन सा आएगा एड देखिए ये जो ऑपरेटर है दिस इज फॉर एंड ऑपरेटर दिस इज फॉर आपका और ऑपरेटर एंड दिस इज फॉर आपका नॉर ऑपरेटर ठीक है एंड ऑपरेटर इज दीज आर योर लॉजिकल ऑपरेटर एम्परसेंट जो है आपका एंड ऑपरेटर में यूज होता है पहला लाइन्स जो है वो और ऑपरेटर के लिए लॉजिकल ऑपरेटर के लिए और कैरेट जो है ये आपका नॉर के लिए होता है दैट इज योर प्लस ठीक है चलिए

अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर्स से क्वेश्चन आपका आ सकता है इंट आपका पी टी पॉइंटर ये यूज कर सकते हो आपको ये भी पूछा जा सकता है विच एड एड्रेस टू द वेरिएबल एड्रेस टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एज पॉइंटर्स ठीक है द कमा मॉडिफाई क्या होता है ऐसी कमांड विच इज यूज टू मॉडिफाई या ऐसी कमांड विच इज विच लेट्स यू चेंज वन और मोर कमांड विच चेंज लेट्स यू चेंज वन और मोर रिकॉर्ड मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसी कौन सी कमांड है विच लेट्स यू चेंज वन और मोर रिकॉर्ड एक या उससे ज्यादा रिकॉर्ड को कौन चेंज कर सकता है दैट इज मॉडिफाइड तो ये नहीं है ठीक है पॉप थ्री पीओ पी थ्री ठीक है ये क्या है इसका पहला आपको नंबर पता होना चाहिए पोर्ट नंबर वन ये आपका किसके लिए यूज होता है ई एम ए, रिट्रीवर के लिए ईमेल रिट्रीवल रिट्रीवर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं देखिए इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना ये जो पी डी एफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी एक एक ऑप्शन को पढ़ के जाना क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं और जो ऑप्शन मैंने फ्रेम किए हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है पॉप थ्री को भी पूछा गया है ईमेल रिट्रीवर के लिए मॉडिफाई ऐसी कौन सी कमांड है जो रिकॉर्ड को चेंज करती है पॉइंटर्स जो एड्रेस को ऐड करते हैं और Ethernet. ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ऑप्शंस पूछी गई हैं, तो जब भी पीडीएफ शेयर किया जाएगा तो उसको देख लेना ठीक है ठीक है नेक्स्ट आता है आपका विच इज द स्ट्रॉप दैट इज इन एनिस ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन टू इंडिपेंडेंट डिवाइस टू इंडिपेंडेंट डिवाइसेस के लिए हम कौन सा स्टॉप यूज करते हैं एसोसिएटिव मेमरी पल्स सिग्नल मोर्ड या सब डायरेक्टरी डायरेक्टरी विद इन द डायरेक्टरी डायरेक्टरी विद इन द डायरेक्टरी विद इन द डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज सब डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं डी आई आर डायरेक्टरी के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे डी आई आर और याद रखना एक क्वेश्चन आ सकता है आर एम इज टू रिमूव द ऑल फाइल्स मतलब स्पेस को खाली करना और अगर आए आर एम डी आई आर दैट इज जस्ट टू रिमूव द एम टी डायरेक्ट डायरेक्ट्रीज एम टी डायरेक्ट्रीज को रिमूव करना आर एम डी आर आर एम इज टू रिमूव ऑल द फाइल्स ठीक है तो ये क्वेश्चन आ सकता है मर्ज सोट मर्ज सोट क्या होता है जो आपका डिवाइड एंड रिट्रीव करता है डिवाइड एंड रिट्रीव मर्ज सोट भी होता है और क्विक सोट भी होता है अगर यहाँ पे मर्ज सोट नहीं दिया गया हो तो क्विक सॉट भी आ सकता है मर्ज सॉट एंड क्विक सॉट जो आपके डिवाइसेस को डिवाइड और रिओर्डर करता है ठीक है एसोशिएटिव मेमोरी एसोशिएटिव मेमोरी दैट इज मेमोरी विच इज यूज इन कंप्यूटर्स या मेमरी विच इज़ यूज इन कंप्यूटर्स एंड जिस पे आपका कंटेंट एड्रेसबल हो एसोशियटिव मेमरी वैसी मेमरी है जिस जो मेमरी आपकी कहाँ पर है ऐसी विच मेमरी द मेमरी विच इज़ प्रेजेंट इन द कंप्यूटर टू शो द टू एड्रेस द कंप्यूटर और द कंटेंट एड्रेस कंटेंट एड्रेस को बताने के लिए हम कौन सी मेमरी यूज़ करते हैं एसोशिएटिव मेमरी ये भी नहीं है आंसर इज पल्स सिग्नल आंसर इज पल्स सिग्नल एक ही क्वेश्चन को देख लेना पूजा गुप्ता टेलीग्राम चैनल है आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगे आप इस पीडीएफ को इस क्वेश्चंस को जरूर देखना ठीक है नेक्स्ट आता है व्हिच लिनक्स डायरेक्टरीज कंटेन सिस्टम कॉन्फिगरेशन फाइल्स इसमें से कौन सी लिनक्स डायरेक्टरीज है जो सिस्टम कॉन्फिगरेशन फाइल्स लेते हैं ईटीसी एक्स कांस्टेंट एंड एक्स डी आई आर एस और वी ये वाला क्वेश्चन आपको आया हुआ है बताइए देखिए अगर हम शुरू करें एक सेकेंड गाइस, अगर हम शुरू करें इसको देखें प्लीज स्पीडअप थैंक यू सो मच स्पीड अप करना है तो आप जाइए मैं आपको एक एक ऑप्शन समझाऊंगी अगर आपको जिस जिस आपके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने आपका स्पीड अप तो मैं सीधा टिक लगा कर जा सकती हूँ देखिए विच लाइनस डायरेक्टरीज तो आंसर इज एक्स्ट्रा ठीक है ये जो है आपका एक्स कॉन्स्टेंट एंड एक्स दीज आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स ये क्या है आपके इसको हम बोलते हैं एक प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप ऑफ कॉपिंग कंस्ट्रक्टर्स कॉपिंग करना कंस्ट्रक्टर्स को ठीक है क्लास विद द नेम क्लास और नेम के साथ किसी भी ऐसा प्रोटोटाइप जो कंस्ट्रक्टर को कॉपी करता है वो है आपका ये डी आई आर डायरेक्ट्रीज को सर्च करना देट इज डी आई आर एस और वर्ज दैट इज टू कॉपी द फाइल्स स्मॉल बटन विथ थ्री डॉट्स यूजली डिस्प्लेड at the right of field properties box that box is called as बताइए वन डे लेफ्ट किसी को ऐसे लग रहा है आपका कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको यह लग रहा है सेशन बहुत स्लो है तो मुझे बता दीजिए मैं फास्ट कर देती हूँ मैं सीधा आंसर दे दूंगी मेक बटन आंसर इज मेक बटन एक्सप्रेशन बटन नहीं बिल्ड बटन नहीं नन ऑफ दीज नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कमांड सेंटर ऑफ एक्सेस फाइल ट और ओपन द एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल अगर आपका जो है एक कमांड सेंटर एक्सेस फाइल की वो कमांड सेंटर क्या है जब आप एक MS access database file को खोलते हो डेटाबेस विंडो क्वेरी विंडो डिजाइन विंडो या फिर आपका स्विच बोर्ड बताइए सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ठीक है तो इसका आंसर देखिए स्विच बोर्ड तो नहीं होता डिज़ाइन व्यू भी नहीं होगा क्वेरी विंडो भी नहीं होगा आंसर इज डेटा विंडो डेटा क्या होता है डेटा का एम फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इससे आपको ये भी पूछा जा सकता है फील्ड्स रिकॉर्ड्स ये याद रखना एंटिटीज डिग्री एट्रीब्यूट कार्डिनेलिटी ये सब पूछा जा सकता है नेक्स्ट अ डेटाबेस्ट लैंग्वेज कंसर्न डेफिनेशन ऑफ होल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीमा इज कॉल्ड एज आपका जो डेटाबेस्ट लैंग्वेज है जो डिफाइन करता है पूरे होल बेस्ड डेटाबेस को उसको क्या बोलते हैं डी डी एल डीएमएल या डी सी एल बताइए देखिए अगर आपको बोला गया है जो डिफाइन करता है डीसी टू कंट्रोल और कौन कौन सी कमांड हम यूज करते हैं ग्रांट एंड रिवॉक है दैट इज डेटा दैन्य मैन्युपुलेशन लैंग्वेज इसमें आप क्या करोगे अपडेट ऑल्टर ठीक है डिलीट इंसर्ट सर डी डी एल में आप क्या करते हो क्रिएट ड्रॉप एज वेल एज आपका क्रिएट ड्रॉप एंड आपका क्या आएगा आपका ट्रं टी डी एल आंसर इज डेटा डिफाइन लैंग्वेज कई बार आपसे फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है की डीसीएल टी सी एल आपकी डी डी एल ने डेटा बेस इज बी एनालाइज आर टेबल मोर क्लोजली एंड क्रिएट एड डैश बिटवीन द टेबल्स अगर थर्ड स्टेज जब भी आप डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हो तो थर्ड स्टेज कौन सी है जो आपकी टेबल्स को एक या कह सकते हो टेबल्स को आप क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो ठीक है एक टेबल के साथ दूसरे टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या बोलेंगे क्वेरी ज्वाइन ज्वाइन या रिलेशनशिप बताइए तो देखिए अगर हम बात करें क्वेरी क्वेरी होता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना क्वेरी होता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन या टू गेट द इंफॉर्मेशन ज्वाइन जस्ट टू जॉइन द ग्रुप्स अगर आपके कोई भी चीज़ कोई भी लाइंस ऑर्डर में है ग्रुप में है देन इट इज़ जॉइन तो ये नहीं ये नहीं आंसर इज रिलेशनशिप आंसर इज रिलेशनशिप टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद द रिलेशनशिप सो दैट डेटा इंटीग्रिटी कैन बी इन्फोर्स वेयर कैन यू फाइंड रिलेशनशिप कमांड रिलेशनशिप कमांड आपको कहां पे मिलती है होम टैब क्रिएट टैब एक्सटर्नल डेटा टैब या डेटा बेस्ड टैप बताइए बताइए इसका आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा एक्सटर्नल डेटा टैब ओके टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद द आपको कीज याद होनी चाहिए प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्पोजिट कैंडिडेट की इन कीज को प्राइमरी की इज द यूनिक की रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स इज कॉल्ड फॉरेन की और जो आपकी रोज को कंपाइल करता दैट इज योर कैंडिडेट की ठीक है तो आंसर बताइए आज ब्रेन काम नहीं कर रहा तो यहां पे जो आएगा दैट इज योर एक्सटर्नल डेटा टैप नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी टेबल तभी कल जो है कल आपका कोई मैं आपको पजल करने के लिए कोई सेशन नहीं लाऊंगी एक ही सेशन लाऊंगी हिमाचल का ब्रेन ट्रिगर और वो भी कितने क्वेश्चंस ट्वेंटी क्वेश्चंस इससे ज्यादा नहीं ठीक है एवरी टेबल इन द रिलेशनल डेटा बेस कंटेन अ फील्ड और द कंबिनेशन ऑफ फील्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज आपका ऐसा कौन सा टेबल है रिलेशनल डेटाबेस में जो यूनिक की को आइडेंटिफाई करता है बताइए तो इसका आंसर है प्राइमरी की इसका आंसर क्या है आपका प्राइमरी की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एम एस एक्सएल फ्लोर फ्लोर की वैल्यू क्या होगी प्राइमरी की यूनिक की पूछा भाई जब यूनिकली आईडेंटिफाई कर रहे हो देन इट इज अ प्राइमरी की फॉरन की विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स जो ऐसी की जो टेबल्स का रिलेशन बताते हैं कॉम्पोजिट की कॉल्ड कैंडिडेट जो आपका रोज में बताते हैं ठीक है और इस क्वेश्चन में आपका जो ये क्वेश्चन था टू टेबल्स कैन बी लिंक विद द रिलेशनशिप इसका आप एक्सटर्नल डेटाबेस मत करना डेटाबेस टैब है इसको क्लियर कर लीजिए जब आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसी फील्ड से है वो रिलेटेड तब बता रही हूं अगर आपके टू टेबल्स को हम रिलेशनशिप के साथ लिंक कर रहे हैं तो आपका जो डेटा अगर डेटा इंटीग्रिटी है तब डेटा बेस्ड टैप डेटा रिडनसी है देन एक्सटर्नल डेटा टैप नेक्स्ट आता है वॉट इज द वैल्यू ऑफ फ्लोर फ्लोर आपको पेपर में आया था सीलिंग आपको पेपर में क्या आया था सीलिंग सीलिंग क्या होती है सीलिंग होता है आपका इससे हायर वैल्यू फोर्टीन और फोर कितना करें कि फोर्टीन से फोर जो है 14 से ऊपर तो आपका यहाँ पे सीलिंग आया तो सिक्सटीन फोर्टीन आपने देखना है जो लास्ट है वो कितना मल्टीपल हो कि फोर्टीन से नीचे आए फोर के टेबल में फोर्टीन आता है नहीं लेकिन इससे मिनिमम वैल्यू क्या है फोर थ्री तो आंसर इज ट्वेल्व फ्लोर और बेस में सीलिंग पूछी जाती है तो आपसे फ्लोर भी पूछा जा सकता है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्म और अ रिपोर्ट आर कॉल्ड एज जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म और रिपोर्ट्स के वो क्या कहलाते हैं कंट्रोल आपका ऑब्जेक्ट्स विंडोज या प्रॉपर्टीज बताइए चलिए तो आंसर इज कंट्रोल आंसर इज कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स अगर याद करने हैं तो जावा इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसके ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं इनकेप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज और इनहेरिटेंस ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एसोसिएशन क्या है तो एसोसिएशन इनहेरिटेंस आपका एग्रीगेशन एंड आपका कॉम्पोजिशन ये भी याद रखना वर्ड्स ठीक है विच विंडोज को किसने आया था माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर्टीज अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज किस टर्म से आता है एट्रीब्यूट आंसर इज एट्रीब्यूट जो आपकी प्रॉपर्टीज को बताता है विच कंट्रोल टाइप इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद बाउंड कंट्रोल काउंट कंट्रोल के लिए हम कौन सी कंट्रोल टाइप यूज करते हैं बताइए कोई भी स्टूडेंट अपनी होप को लूज मत करना कहते हैं कई बार ऐसा भी होता है जब आप बेदिल जाओ और अचानक डर के मारे बैठे हो पेपर में तो कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि उनके उन्होंने मेहनत की है डर भी लगता है तो ऊपर वाला उसका साथ भी देता है और दूसरी बात कई बार ऐसा भी होता है पढ़ा भी नहीं है फिर भी तुक्के लग जाते हैं तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यह भी नहीं सोचना कि मुझे पेपर नहीं देना पेपर देना क्या होता है वो बात की बात है नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ठीक है जब बताइए इसका आंसर क्या होगा कमांड बटन या आपका लेबल या टेक्स्ट बॉक्स या लिस्ट बॉक्स विच कंट्रोल टाइप इज मोस्ट ऑफन यूज़ एसोसिएटेड विद बाउंड कंट्रोल कमांड बटन लेबल या टेक्स्ट बॉक्स या लिस्ट बॉक्स बताइए कौन सा जो है आपका ये यूज होगा विच कमांड इज यूज फॉर आपका

MPT ठीक है आंसर इज MPT आंसर इज MPT देखिए सम ठीक है सम आपको पता है इज सम करना यानी ऐड करना एवरेज आपको अगर एक्सेल में एवरेज आई तो आपने पहले टोटल टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एज एवरेज काउंट तीन फंक्शंस याद रखना काउंट ठीक है जो नंबर्स को काउंट करता है काउंटा जो आपके नॉन एम सेल्स को काउंट करता है काउंटा इफ दैट इज योर आपका हर चीज को काउंट count करना है काउंटा एफ और आपका जो है आप इसको इफ ये ग्रेटर देन जिसमें कंडीशंस दी जाए अगर कंडीशन दी जाए किसी की देन काउंट इफ और अगर काउंट ब्लैंक दिया गया हो देन इट इज एम तो आंसर इज आपका एम नेक्स्ट आता है विथ सेटिंग यू मोस्ट मॉडिफाइड टू प्रिंट रिपोर्ट यूजिंग लेटर हेड लेटर हेड का उपयोग करके रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग का संशोधन करना पड़ता है बताइए बताइए तो इसका आंसर है मार्जिन एमपीटी नहीं होता ठीक है आंसर इज मार्जिन ग्रुप नहीं सेक्शन नहीं क्या होती हैं? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस इसमें से रिलेशनल डेटाबेस कौन सा नहीं है डी बी फोर फोर्थ डायमेंशन फॉक्स प्रो या रिफ्लेक्स आंसर इज रिफ्लेक्स

ठीक है तो देखिए क्विक सॉट और मर्ज सॉट दोनों याद कर लीजिए क्विक सॉट एंड मर्ज सॉट इज टू डिवाइड एंड री ऑर्डर क्विक सॉट एंड मर्ज जो होते हैं ये क्या करते हैं आपका डिवाइड करते हैं और कंकर के लिए जब भी टर्म आए आपको डिवाइड एंड कंकर देन क्विक सॉट या मर्ज सॉट क्विक सॉट नहीं दिया गया होता मर्ज सॉट एंटी लिया ये क्वेश्चन भी आया अगर आपका जैग्ड सरफेस है जेट सरफेस को स्मूथ बनाना है देन इट इज कॉल्ड एज अ एंटीलियाजिंग तो ये नहीं वाइट बोर्ड बॉक्स टैक्स टेक्सटिंग जो कि आपके इनर स्ट्रक्चर्स ऑफ आपके सॉफ्टवेयर बताते हैं जो कोडिंग करते हैं जो आपके डेप्थ को सॉफ्टवेयर की बताएंगे दैट इज वाइट बोर्ड टेक्सटिंग वाइट बॉक्स टेक्सटिंग और जो आपका है आपका ब्लैक वो सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बताते हैं तो ये नहीं अनकंडीशनल जंप ये याद रखना कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं और एक जंप स्टेटमेंट्स होती हैं तो जंप स्टेटमेंट्स में ब्रेक गो टू ये याद रखना कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आई अ डैश लिस्ट द टर्म्स एंड द टॉपिक्स दैट आर डिस्कस्ड इन द डॉक्यूमेंट अलोंग विद द पेजेस दैट दे अपियर ऑन क्या कहलाता है टेबल इंडेक्स इंडेंट या कंटेंट आज क्या नींद आ रही है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चन बेकार लग रहे हैं जल्दी बताइए बताइए आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है कंडीशनल जंप्स जो होते हैं या कंडीशनल्स कौन सी होती हैं वाइल डू वाइल ठीक है बताइए किस किस को आज का सेशन बड़ा बोर लग रहा है देखिए अगर बोर लग रहा है ना तो फिर कल का कल आपके साथ क्या खेला जाए यह भी बता देना कल जीके एमसी क्यूज आपके जो है कंप्यूटर के लाए जाए कि आधे घंटे का फिफ्टीन मिनट्स का फिफ्टीन क्वेश्चंस का ब्रेन ट्रिगर लिया जाए बताइए टेंशन तभी कल रिलीज करने के लिए नहीं टेबल नहीं आंसर आपको यहाँ देखो डॉक्यूमेंट और पेजेस एंड दे अपियर डॉक्यूमेंट में आपको पेजेस नहीं बताएं। ऐसा सेक्शन जहाँ पे इंडेक्स बनता है और इंडेक्स के सामने पेजेस अपेयर होते हैं टेबल नहीं आएगा इंडेक्स Which ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मे बी used टू चेंज द पेज साइज एंड द आपका मार्जिन कौन सी ऑप्शन जो है आपका पेज साइज और मार्जिन यूज करता है इंडेक्स तुक्का बताइए गौरव शर्मा का आंसर आ रहा है पेज देखिए डेटा नहीं डेटा क्या होते हैं फैक्ट्स। रियल वर्ल्ड्स के फैक्ट्स कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन ठीक है इंफॉर्मेशन के बाद क्या आएंगे कॉलम्स कॉलम्स के बाद आई रोज यानी रिकॉर्ड्स एंड देन उसके बाद आपकी क्या बनती है फाइल टूल्स टूल्स कुछ भी हो सकता है व्यू बटन में आप कुछ भी देख सकते हो आंसर इज योर पेज सेटअप आंसर इज योर पेज सेटअप ठीक है टूल्स में आप क्या यूज कर सकते हो टूल्स इज फॉर हेल्पिंग राइट यहाँ तक किस किस को समझ आया और किस किस को इजी लगा व्यू नहीं आएगा आपका आएगा आ, क्या है पेज सेटअप चलिए आज का सेशन इतना ही था आज का सेशन आपका इतना ही था ज़्यादा टाइम मैंने आपका वेस्ट नहीं करना है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपका जिसका भी पेपर होगा कौन कौन मुझे शेयर करेगा टेलीग्राम पे और कल का आप मुझे जल्दी बताइए कल का सेशन कल का सेशन ज्वाइन ज़रूर करना क्योंकि कल के सेशन में टिप्स भी दी जाएंगी और आपके साथ साथ ब्रेन ट्रिगर का सेशन भी होगा जल्दी बताइए कौन कौन जो है कल ज्वाइन करेगा और किस किस को सेशन पसंद आया छोटा है छोटा पैकेट है पर ये पैकेट बहुत स्ट्रांग है हो सकता है स्ट्रांग निकले तो आप मुझे याद करोगे अगर स्ट्रांग ना निकले तब भी आप मुझे याद करोगे ठीक है बताइए इसकांश वो एक सेकंड मैं आपको पी शेयर कर रही हूँ आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि आपको जस्ट give me वन आज आपके साथ मैंने कोई भी ऐसा वो नहीं रखा है टफ सेशन नहीं कल अगर होगा तो आपका आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर्स के लिए हम लाइनर शुरू करेंगे जस्ट कि मैं वन सेकेंड में आपको पी डी एफ दे रही हूँ इसको एक सेकेंड पी डी एफ में कन्वर्ट करने दीजिए गेस yes, किस किस को लास्ट में तुक्का ट्रिक्स लॉजिक सेशन प्लीज लॉजिक सेशन कौन सा लॉजिक गेट्स का कमल किशोर जी आप सेशन देखिए जीओआईटी क्रैश कोर्स में उसमें यहाँ पे लॉजिक गेट्स किए हुए हैं कल की टाइमिंग्स जो होगी आपकी सात बजे कर सकते हैं कल की टाइमिंग्स हम सात बजे लेंगे और सात से साढ़े

और 903 का एक धमाका ही होगा अब जो भी रिजल्ट आएगा वो धमाके से ही आएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है तो चलिए इसी के साथ आप पहले ये बताइए मुझे कि आपको पीडीएफ मिला या नहीं मिला चलिए चेक, चेक कीजिए और बताइए आपको पीडीएफ मिला 19, 19, 9, 3, 9, में बीस करेक्ट डन कॉपी चलिए आज, आज का सेशन में आप मुझे ये बताइए ग्यारह करेक्ट होंगे नाइन जीरो थ्री तीस तुके okay. आम किसके किस लिए कह रहे हो आप इन क्वेश्चंस के लिए मेरे लिए मैम तो कल का सेशन जाने से पहले ये मुझे बताकर जाइए कि कल का सेशन क्या होना चाहिए

प्लीज फेसबुक पेज पूजा गुप्ता पेज को लाइक कीजिए टेलीग्राम चैनल पूजा गुप्ता चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो लाइक द वीडियो बताइए जल्दी बताइए कंप्यूटर रेखा रानी ने बोला है कंप्यूटर मैम कंप्यूटर रेखा रानी जी मैंने सुन लिया एनीबॉडी एल्स अगर कल कंप्यूटर आए तो आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा ममता कश्यप कंप्यूटर 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 ब्रेन ट्रिगर ऑनलाइन चलेगा कल चलिए लेट मी डिसाइड माई सेल्फ क्या आपने तो आंसर्स देने नहीं है तो फटाफट फट मुझे बताइए कि क्या है चलिए आज के लिए इतना मिलते हैं कल तब तक के लिए गुड नाइट गुड इवनिंग स्टे ब्लेस्ड स्टे कूल स्टे हैप्पी एंड ऑल द वेरी बेस्ट डू वेल ठीक है फिर भी मैं आपको एक पोलिंग दे रही हूँ आप प्लीज अपना पोल क्रिएट कीजिए और तब तक जब तक मैंने अभी सेशन शुरू नहीं किया है ब्रेन ट्रिगर चलिए यहाँ पे दे दिया अब आप आपके आ, वो हैं क्या कहते हैं दे इसके पोल्स हैं आपको पोल देना है फटाफट -पत पोल दीजिए क्या है एंड बाय बाय ठीक है